गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्जिन और पैडिंग के बीच डिफरेंस क्या होता है। हालांकि अगर जिन लोगों ने मेरा पिछला दो वीडियो देखा होगा मार्जिन और पैडिंग का, तो वो लोग जान चुके होंगे कि मार्जिन किसे कहते हैं और पैडिंग किसे कहते हैं और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। लेकिन जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो में जंप करते हैं सर्च इंजन के थ्रू, उनके लिए ये नया हो सकता है। तो मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्जिन किसे कहते हैं और पैडिंग किसे कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारा एक वेब ब्राउज़र है, इसमें हम लोगों ने एक डिव कंटेन बनाया हुआ है, मतलब एक डिव हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसपे हमारा ये पैराग्राफ है। डिव के अंदर में ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग किस चीज़ को मार्जिन कहेंगे और किस चीज़ को पैडिंग कहेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है, ये वाइट यानी कि ब्राउज़र के और यहाँ इस एलिमेंट के बीच में जो ये वाइट दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं मार्जिन। चाहे ये लेफ्ट मार्जिन हो या फिर ये राइट मार्जिन हो, चाहे ये टॉप मार्जिन हो या फिर ये बॉटम मार्जिन हो, तो इसको मार्जिन कहते हैं। और इस एलिमेंट के यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग पैडिंग कहते हैं। चाहे ये लेफ्ट पैडिंग हो या फिर ये राइट पैडिंग हो या फिर ये टॉप पैडिंग हो या फिर ये बॉटम पैडिंग हो, इसे हम लोग पैडिंग कहते हैं। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है। अब एक मान लीजिए कि एक ये ब्राउज़र, इसमें दो एलिमेंट्स हैं और दोनों में ये पैराग्राफ है, तो इस केस में क्या मार्जिन होगा और क्या पैडिंग होगा, देख लीजिए। ये जो वाइट है ये हमारा मार्जिन कहलाएगा, लेफ्ट मार्जिन। इसी तरीके से ये टॉप मार्जिन, ये राइट मार्जिन और ये हमारा कहलाएगा बॉटम मार्जिन, ठीक है। और यहाँ जो इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा क्या है, मार्जिन ही है, ठीक है। लेकिन ये इसका लेफ्ट मार्जिन आप कह सकते हैं, ठीक है। आप इस एलिमेंट का ये लेफ्ट मार्जिन कह सकते हैं। जब ये सिंगल रहता है, इसको देखिए, जब ये सिंगल रहता है तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ठीक है। ये कोलैप्स करता है, ये मार्जिन जो कोलैप्स करता है, जब ये सिंगल रहेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा और ये पूरा मार्जिन बनेगा। फिर जब इस एलिमेंट को अगर आप देखेंगे तो ये इस ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा और ये इसका लेफ्ट और ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट होगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट, इसका लेफ्ट, ये बन जाएगा एक मूवी की तरह कि किसका राइट राइट, मेरा राइट या आपका राइट। मुझे मूवी का याद नहीं, सुनील शेट्टी जी का मूवी। ओके सर, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। देखिए ये जो है पूरा, ये अगर एक रहता है तो ये लेफ्ट होता है और ये इसी का राइट होता है। लेकिन जब ये एक पूरा अगर हम लोग देखें तो ये इसका लेफ्ट बनता है और ये इसका राइट बनता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब हमें इतनी सी जानकारी मिलती है कि ये जो स्पेस बनता है या फिर ये जो स्पेस बनता है या फिर ये जो स्पेस बनता है, ये स्पेस या इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो ये स्पेस बनता है, इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। और यहाँ इस एलिमेंट के बीच और इस पैराग्राफ के बीच जो स्पेस बन रहा है, इसे हम लोग, या फिर इस यहाँ जो स्पेस बन रहा है, इसे हम लोग पैडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थियोरिटिकल बातें हो गई हैं, चलिए प्रैक्टिकल बातें थोड़ी सी करते हैं। प्रैक्टिकल में देखते हैं कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ओके सर, एग्जांपल देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है मार्जिन और पैडिंग में, तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये सिंपल से मैंने एचटीएमएल का थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ एक डिव यहाँ और एक डिव यहाँ। दोनों डिव के अंदर एक एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ यहाँ और एक पैराग्राफ यहाँ। इसका फर्स्ट डिव का मैंने आईडी लिखा हुआ है फर्स्ट डिव, और सेकंड डिव का आईडी मैंने लिखा हुआ है सेक डिव, इसको आप सेकंड डिव भी कह सकते हैं। फर्स्ट डिव के लिए मैंने यहाँ सीएस लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर पिंक, विड्थ दे दिया है मैंने 200 पिक्सल और हाइट दे दिया मैंने 100 पिक्स। उसी तरीके से सेकंड डिव के लिए बैकग्राउंड मैंने सेट किया हुआ है ग्रे और विड्थ 200 और हाइट 100, यानी कि दोनों का हाइट और विड्थ सेम है, मैंने बस कलर चेंज किया हुआ है। अभी अगर इसको आप सेव करते हैं और इसको अगर आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ दो डिव आपको नज़र आएगा इस तरीके से। यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्लियरली समझ में आता है कि ये जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मार्जिन है, यहाँ जो वाइट दिखाई दे रहा है ये आपका मार्जिन है, यहाँ जो वाइट है ये मार्जिन है, यहाँ जो वाइट है ये मार्जिन है, ठीक है। तो ये मार्जिन हमें दिखाई दे रहा है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन दोनों को एक साथ लाते हैं। तो दोनों को एक साथ लाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लॉट लेफ्ट। फ्लॉट करते हैं लेफ्ट। अगर आप फ्लॉट के बारे में नहीं जानते तो आप फ्लॉट का वीडियो देखिएगा, वहाँ सबको पता चलेगा कि फ्लॉट का मतलब क्या होता है और फ्लॉट का यूज़ आप क्यों और कैसे कर सकते हैं। फ्लॉट सेट किया मैंने दोनों को लेफ्ट लेफ्ट। अभी अगर इसको हम लोग सेव करके अगर रिफ्रेश करते हैं तब देखेंगे कि ये दोनों आपको साथ में दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यह कर रहा हूँ मैं इसमें मार्जिन सेट कर रहा हूँ, इस डिव वन में जो कि पिंक कलर का है उसमें मैं लेफ्ट मार्जिन सेट कर रहा हूँ। तो चलिए मार्जिन सेट करते हैं। यहाँ हम लोगों को लिखना सिर्फ ये है कि मार्जिन लेफ्ट में सेट कर रहा हूँ मैं 70 पीएक्स। 70 पीएक्स इसीलिए क्योंकि आपको दिखाई देगा डिफरेंस अगर बड़ा होगा तो।
तो 70 पिक्स मैंने फर्स्ट डिप में सेट किया है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको दिखाई देगा नज़र में, यहाँ आपकी नज़रें यहाँ होनी चाहिए, यहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। जैसे इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो वाइट मतलब ये जो वाइट पोर्शन है इसका स्पेस जो वो बड़ा हो जाता है 70 पीएक्स तक। तो इसी हम लोग कहते हैं क्या, मार्जिन। उसी तरीके से अगर इन दोनों के बीच में आपको यहाँ चाहिए, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो यहाँ अगर बीच में चाहिए तो आप चाहें तो इसको राइट में सेट कर सकते हैं। अगर राइट में सेट करें तो क्या होगा, लेफ्ट हटा दिया है मैंने, तो ये जो है अभी रिफ्रेश करने से ये चला जाएगा और ये राइट में चला आएगा, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश किया मैंने, लेफ्ट में तो हट गया है, ये देखेंगे अब राइट में ये मार्जिन आ गया। तो ये होता है मार्जिन। अब सिमिलरली अगर आप बात करते हैं पैडिंग की, तो पैडिंग चलिए सेट करते हैं, यहाँ मार्जिन रहने देते हैं और हम लोग पैडिंग की बात करते हैं। नीचे मैं क्या करता हूँ कि इस राइट मार्जिन को हटा कर मैं कह दूँगा लेफ्ट पैडिंग, यानी कि पैडिंग लेफ्ट। तो पैडिंग लेफ्ट कर दिया मैंने, इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं कितना 30 पीएक्स। तो फर्स्ट डिप में ही हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पैडिंग लेफ्ट कर दिया है और अभी भी ये राइट मार्जिन अभी भी है। तो आप देखेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है ये यहाँ स्पेस बन रहा है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं पैडिंग। तो यहाँ आपको 30 पीएक्स का पैडिंग दिखाई दे रहा है। तो मार्जिन होता तो ये यहाँ से बनता और पैडिंग है तो ये यहाँ से बन रहा है, इसी को कहते हैं पैडिंग और मार्जिन, और यही दोनों में डिफरेंस है। मार्जिन इस चीज़ में डिफरेंस स्पेस क्रिएट करता है और पैडिंग इस चीज़ में डिफरेंस स्पेस क्रिएट करता है। ओके, सो बस यही है पैडिंग और मार्जिन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।